हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री इकोनॉमिक जोन में 4 टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहा है, जो कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करेगा और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश का कॉमर्स मिनिस्ट्री स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने जा रहा है एट बंगबंधु शेख मुजिब शिल्पनगर इन चट्टोग्राम एंड स्पेशलाइज्ड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एट बंगबंधु हाईटेक सिटी इन गाजीपुर। यानी कि चट्टोग्राम में बंगबंधु शेख मुजिब शिल्पनगर में और गाजीपुर में बंगबंधु हाईटेक सिटी में ये सारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स को बनाया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी सेंटर को बनाने के लिए बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी यानी कि बेजा और बांग्लादेश हाईटेक पार्क अथॉरिटी के अंदर एक डील भी साइन हुआ है, जिसमें बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी भी शामिल थे। इस डील को एक वर्चुअल सेरेमनी के तहत साइन किया गया है और इस डील के तहत बंगबंधु शेख मुजिब शिल्पनगर में 10 एकर्स ऑफ लैंड और बंगबंधु हाईटेक सिटी में 4.04 एकड़ का लैंड को अप्रूव किया गया है। और इस वर्चुअल सेरेमनी में बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी ने कहा कि ये इनिशिएटिव बांग्लादेश के इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए और बांग्लादेश में न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश को डिफरेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए टू सस्टेन द करेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने ये भी कहा एक्सेप्टिंग आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स को छोड़कर बांग्लादेश का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसका एक्सपोर्ट अर्निंग बिलियन डॉलर माइलस्टोन को क्रॉस किया है और इसीलिए दूसरे सेक्टर्स के ऊपर काम करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इससे बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के लोगों के लिए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।